अरे जानेमन, कैसी है तू? हरामखोर, आज फिर दारू पी कर आया है। तुझे कैसे पता चला? ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर बाजू वाला है। अरे भाई, सब चश्मा पहन के वीडियो बना रहे हैं, तू चश्मा पहन के क्यों नहीं बना रहा? भाई मेरे पास चश्मा ही नहीं है। मम्मी देखो क्या कह रही है। मम्मी तू दे दो। बहुत तेज हो रही है। ए औलादो, हाँ एक बात बताओ, तुम दोनों के खून का रंग कौन सा है? मेरा रेड है। कॉपी मत करना। बताओ, एक खून वून है कि नहीं है? हमारा तुम दोनों एलियन तो नहीं हो? लाल है, तुम्हारा रेड है तो मेरा लाल है। मेरा लाल चट। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, मैंने सुना है जो इस जन्म में पत्नी रहती है अगले जन्म में वही मिलेगी। हाँ बेटा, सही सुना है। फिर तो खुदकुशी करके कोई फायदा ही ना। हाय बेबी। बेबी कहाँ हो? बेबी आपके दिल में। कितनी बार बोला है तुम्हें, कोरोना चल रहा है, ज्यादा भीड़ वाले इलाके में मत जाया करो। गल सुन, तरबूज नू अंग्रेजी च की कहंदे है? हैनी तेरे लक्षण तरबूज खाने वाले। या फ्राय इधर बड़ा आया अंग्रेज। जीजू शादी कब होती है? जब राहु शनि और केतु की दशा खराब हो और भगवान मजे लेने के मूड में हो तो शादी हो जाती है। सोचा किसी अपने से बात करो, अपने किसी खास को याद करो, किया जो फैसला ईद मुबारक कहने का। दिल ने कहा क्यों ना आपसे शुरुआत करो। ईद मुबारक गाइस। वाह 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 वाह। लड़की है, इज्जत करो, अलार्म नहीं जो सेट करोगे। लड़का है, प्यार करो, सब्जी नहीं जो काटती रहोगी। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? साले ये कमजोरी है, च्यवनप्राश खाया कर। साले सिंगर लोग है। अलवार के लवार वाहुन के लखड़वा अर पानी अड़वा। क्या रावे तेरू का तरन तेरू का ताय बहट finishes the watermelon first wins the money. And go! Done. No. ये जो तुम्हारी अकड़ है ना घर से बाहर निकलने की, आंकड़ों में बदल सकती है। देश में कुल मौतें 225। हाँ बेबी, कर दिया रिचार्ज। वाह भाई, शर्मा रही है आपको? यहाँ मैं 4 दिन से बीमार हूँ, दवाई के लिए पैसे नहीं है और आप लड़कियों का रिचार्ज करा रहे हो। बहन प्लीज, भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। छी, मेरी बहन 4 दिन से बीमार है और मुझे पता भी नहीं ये मैंने क्या कर दिया। बेबी रुको ना, भाई को अब भी चुरन दे के आई, पैसा मिलने तो रिचार्ज कराती हूँ। आ
आज हम सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकले, जैसे ग्राउंड पहुंचे एक लड़का बोला आप भाई साहब, मैं बोला इसे काहे देख रहा है, बोला आप दौड़ने आए, मैं बोला हाँ, बोला आप क्या पचाने आए हैं, आप तो पहले से पचे पचाए हैं। भाई मेरा फोन खराब हो गया यार, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैंने किसी को कुछ बोला। किसी शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र निकाल दी आते आते, क्या मिला तुझे जिंदगी से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। फिर यारो, खैर मेरे को नमाज का टाइम हो रहा, जल्दी तुम शिरखुरमा दियो, चकले के निकल दो। वो मैं नहीं बनाई शिरखुरमा। अरे अच्छा ठीक है, नमाज से आके पी दो। नहीं। क्या नहीं? मेरे को नहीं आता शिरखुरमा बनाना। मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं कभी भी घर पे ईद के दिन नहीं बनाई शिरखुरमा। फिर क्या कर रहे थे? सेल्फियां ले रहे थे शायद ईद के दिन। तुम्हारा कुछ भेज रहे थे वो सेल्फियां। अब शिरखुरमा तुम्हारी अम्मी को भेजो। बोलो क्या बोले? कुछ भी नहीं। ये नहीं बोले तुम्हें को शादी से पहले शिरखुरमा बनाने नहीं आता बोल के? बोलती तो क्या नहीं करते थे शादी? नहीं नहीं, मैं सीख लेता था, फिर मैं नमाज को जाके आता हूँ। एक सेकंड, तुम्हें शिरखुरमा बनाने नहीं आता तो दूध और सेवियां कहीं को मांगा? अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर को 47 साल पूरे हुए। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता? मुझे पता चला हेलो ऐप से। देखिए ये है हेलो ऐप। जैसे ही हेलो ऐप आप डाउनलोड करते हैं, आपको ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलता है, जिसमें आपकी सभी ट्रेंडिंग न्यूज़, वीडियोस, आर्टिकल मिलेंगे, जिससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हैं। तो खुद को अपडेट करने के लिए अभी डाउनलोड करें हेलो ऐप। दोस्तों आज मैं आपके बीच एक बहुत ही प्यारी सिंगर पेश कर रहा हूँ। कौन सा गाना गाएंगी? लग जा गले। वो सब बाद में। गाना कौन सा? तो मीनी ये गाना ही है। हॉट हॉट। थैंक यू। ओड़ी बाबा हमको जाने का है सामने से। हॉट। यार मुझे लड़कों को प्रपोज करना नहीं आता। अच्छा चल मैं सिखाता हूँ, मेरे साथ साथ बोल बोल। आई आई लव लव यू यू। आई लव यू सिंपल। सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े आग का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुकाते? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोजे हश्र क्या उज्र होगा हमारे पास? ये जो तुम्हारी अकड़ है ना घर से बाहर निकलने की, आंकड़ों में बदल सकती है। देश में कुल मौतें 225। योरे दिल ने ये कहा है दिल से, लॉकडाउन बढ़ गया है फिर से। जिस हिसाब से लॉकडाउन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है हमें आजादी 15 अगस्त को ही मिलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। भाई वो देख कितनी हॉट है। कौन? धूप। बाबू सपोज करो अगर मैं आपको समझूं और आपकी सारी बातें मानूं तो? क्या हो गया? मैं तो साला सपोज भी नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान मुझे एक ऐसी चीज दे जो मैं रोज खाऊं और उसके पैसे भी ना लगे। टिकटॉक की
की वीडियो का समुंदर लेके घूमता हूँ मैं। 20,000 वीडियो पड़ी है मेरे ड्राफ्ट में, अभी ठोक दूंगा ना टिकटॉक पर, किसी की वीडियो चलेगी नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा घूमेगा मार्केट में। चलो बच्चों बताओ, सैटरडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? शनिवार 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 शनिवार। पढ़ाई तो चल नहीं रही आजकल, खिलवाड़ चल रहा खाली। कृपया आपकी सूचना के लिए बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, वो खेल सकते हैं और खिलवाड़ भी कर सकते हैं। पर बेबी, हाँ जी, ये लो ही दी। अरे उल्टा मैं आपको दूंगा, आप छोटे हो ना। इदी छोटे या बड़े को देखकर नहीं दिया जाता। अच्छा? ये तो बस प्यार होता है। और अच्छा? ये मैंने टिकटॉक से सीखा। ओके तो दे रही हो तो कम से कम 1-2 लाख तो दो ना, 500 रुपए में क्या मतलब तुम्हें ईद के दिन में मुझसे मार खाना है। मम्मी मुझे लड़की वाले देखने आए थे, क्या बोला उन्होंने? बोल रहे थे लड़का हमें पसंद नहीं है। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? यार मतलब हर जगह बेइज्जती। मैंने ना घर छोड़ के मेरी दी इस बार मैं बेटा इजी नहीं दे पाऊंगी आपको, पता है ना कितना इशू चल रहा है, मगर नेक्स्ट टाइम मैं आपको डबल इजी दूंगी पक्का। क्या हुआ ईशान, सैड क्यों? छोटी पर ये कैसी ईद है, ना ही हम नए कपड़े पहन पा रहे, ना ही बाहर जा पा रहे, और मुझे ईदी भी नहीं मिली, मुझे बुरा लग रहा है। ईशान शुक्र मानो कि हमारे पास इतना बड़ा घर रहने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए हमारे पास खाना है। उन लोगों को पूछो जो इतनी दूर चल चल के अपने गाँव अपने घर जा रहे, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो इस वायरस से इतनी मुश्किलों में लड़ रहे। हमेशा अल्लाह का शुक्र मानो कि हमारे पास सब कुछ है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर पर रहिए और अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट कीजिए। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। अल्लाह मुबारक ईद। वक्त सबका आता है। स्कूल में जो बेइज्जत करके उस मोबाइल को बाहर निकाल दिया करते थे, आज वो मोबाइल स्कूल चला रहा है।